जी हाँ दोस्तों, केवल 75,650 रुपये में मिल जाएगी TVS की ये iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि हाल ही में रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में, फिर आते हैं इसके प्राइसेस पर। इसके पहले इसी सेम मॉडल को इन्होंने 3.4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ लॉन्च किया था और अब इसे 2.2 किलोवाट आवर बैटरी के साथ लॉन्च किया है जो कि केवल 2 घंटे में 80% तक चार्ज हो जाती है और एक सिंगल चार्जिंग में से तुम 75 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। और अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो यह 75 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देती है। तो आइए बात करते हैं इसके प्राइस की, कौन कौन इसे 75,000 रुपये में ले सकता है और कैसे। तो जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं 2.2 किलोवाट आवर और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं असम। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्कूटर की प्राइस 87,950 रुपीज है, वहीं इनकी इंट्रोडक्टरी प्राइस 12,003 रुपए और माइनस करने पर स्कूटर की प्राइस 75,650 रुपीज हो जाती है। और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस स्कूटर के डिलीवरी डेट के वक्त कंपनी एज अ कैशबैक वापस कर देगी, जैसा कि इनकी ऑफिशियल साइट पर मेंशन है। यहाँ पर असम गवर्नमेंट एज अ स्टेट सब्सिडी 20,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। सो स्कूटर की प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है। तो आइए अब देखते हैं कौन से स्टेट में स्कूटर की क्या प्राइस होगी। अगर तुम इन 8 स्टेट्स असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान से बिलोंग करते हो तो इन स्टेट में स्कूटर की प्राइसेस 75,000, 87,000, 85, 84, 85, 85, 89 और 90,000 है, जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। और इन 8 स्टेट के अलावा बाकी के अदर स्टेट में स्कूटर की प्राइस 95,000 रहने वाली है। तो अगर बात करें स्कूटर के मोटर पावर की तो इसमें 4.4 किलोवाट की 10 DC मोटर लगाई गई है जो कि केवल 4.2 में 40 की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। तो ऐसे तुम अगर ओला S1 के बारे में जानना चाहते हो जो कि केवल 70,000 रुपए में मिल रही है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।